नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। 26 मई से शुरू होने वाली विश्वविख्यात दरगाह आलिया नवज़े हिंद जोगी रामपुरी की ऐतिहासिक सालाना मजलिसों की तैयारी पूरी हो गई है। उप जिलाधिकारी नजीब आबाद व पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने किया इंतजाम और सुरक्षा को लेकर दरगाह का दौरा किया। इस बार दरगाह आलिया हिंदुस्तान की सभी दरगाहों का जैसा अजमेर कलियर शरीफ की चोचा देवा निज़ामुद्दीन माखनपुर बरेली के सज्जादा नशीनों का प्रतिनिधित्व करेगी। इस वर्ष ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग उलेमाओं का बयान होगा जिनको लोग सुनना चाहते हैं और पसंद करते हैं। सभी विद्वान उच्च शिक्षा टेक्नोलॉजी और आपसी भाईचारा देश की खुशहाली और तरक्की के ऊपर बयान करेंगे। आपको बता दें कि 26 मई से शुरू होने वाली सालाना मजलिसे में इस वर्ष मौलाना कलवे जवाद, कलबे रुशेद, मौलाना मिर्ज़ा शफीक, मौलाना शब्बीर वारसी, मौलाना शबाब नकवी, मौलाना इरशाद अब्बास, मौलाना मजाहिर हुसैन, मौलाना सज्जाद हुसैन आदि उलेमा मजलिसों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर दरगाह प्रशासक डॉक्टर हबीब हैदर और उनके सहयोगी अस्करी आब्दी भुट्टू और सलमान हैदर आशी ने अधिकारियों को दरगाह के परिसर में भ्रमण कराया और व्यवस्था देखी। वह उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह व पुलिस क्षेत्र अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने PW के अधिशासी अभियंता EO नजीबाबाद व अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देखिए नजीबाबाद से हमारे संवाददाता वसीम बारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दरगाह आलिया जो हमारा है और शिया लोगों का बहुत ही आस्था का केंद्र है, तो यहाँ जो प्रस्तावित हमारी 26 तारीख से लेकर 29 तक जो चलेगी मजलिस, उसके इंतज़ाम को देखने के लिए आए और जो हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं सिया बोर्ड के, वो हैं हमारे साथी अधिकारी उप अधिकारी हैं, नगर पालिका की टीम है, हमारी ब्लॉक की टीम है और एक घूम के आपने देखा कि आप ही साथ रहे। चिलचिलाती धूप में हम लोग घूम के एक जायजा लिए हैं और दिमाग में खाका बन गया है और इस बार हमें उम्मीद है कि विगत दो वर्षों से जो कोविड महामारी विश्वव्यापी महामारी थी उसके कारण में कोई शारीरिक फंक्शन नहीं हुआ था, तो हमें लगता है कि पूरे दुनिया भर के देशों में एक नया उत्साह होगा और जायरीनों की संख्या बहुत अधिक होगी, तो उसको देख के एक खुशी भी है लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम किस तरह से उनको एक ऐसा लुक दें कि वो पर्यटक के रूप में भी अपनी आध्यात्मिक चेतना को भी संतुष्ट कर सकें और यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएं अपने देश में या भारत के ही किसी अन्य प्रांत के हैं तो अपने प्रांत में करें कि साहब तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि 10 लाख लोगों के लिए इन्होंने व्यवस्था की। यही सब जायजा लेने के लिए आए हैं और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसमें इसको अधिक से अधिक आप कवरेज दीजिए ताकि हमारा नजीबाबाद का और एशिया फ्रेम की इतनी महत्वपूर्ण दरगाह है जिसका के नाम और भी आगे जाए। धन्यवाद। ठीक है, बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।